अभी मेरी बस हम अंबाजी के पास हवन करने वाले हैं और जो लोग ऊपर तक जाते हैं वो लोग यहीं रुक के हमें गाड़ी है वो लोग चले जाओ अम्बा माता के पास पहुंच जाओ तो चंडी हम भाग ले सकेंगे। पहली वो लोग यहाँ रुक के गाड़ी से चले जाना चाहिए। तो उत्तर पूजा करूंगा शिशु महाराज बुलाऊ बोला अभी 108 गायत्री का बिलपत्र चढ़ाता हूँ वो बेल खा लेते हैं तो सर्वरोग निवारण वो बेलपत्र की पूजा करूंगा। आपसे बात कल जो गाड़ी वगैरह सब निर्णय हो गई है समझो कि हम यहीं से नमस्कार संकल्प मैं करूंगा जबकि आप जाते नहीं आए हैं और चंडी हवन को लेते अम्बा माता के पास पहुँच रहा हूँ। और अभी पूजा के बाद आप ले सकते हैं निकाल के बाजू में रखा करो निकाल के दे दिया जाए क्योंकि मंदिर आपकी पूजा कर लेंगे और उसके उपवास है के बाद आप पानी सुबह में जो भी खाना खा सकते शिव जी का नाम स्मरण जितना पूजा होने के बाद हम जाते हैं 8 बजे वापस चलने के लिए 9:30 बजे तक पहुँच जाना है वहाँ कल चंडी यहाँ से चले जाना चाहते हैं जिनका ऊपर जाके आए हैं तो मेरे संकल्प से मैं पूजा होगी और एक छोटी सी उस 108 गाय सब लोग बैठ कर देखो उसे अभिषेक उनका तीर्थ दिया हुआ आज ग्रहण करने और लेने में हमें श्रेष्ठता का अनुभव होता है। परम पूजनीय शेखर स्वामी श्री निखिलेश्वर सदगुरुदेव जी की कृपा से यहाँ आज दत्त स्थान गिरनार क्षेत्र पर हम ये शिव पूजन संपन्न कर रहे हैं। दत्त भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के ही अवतार माने जाते हैं। तीनों अंशों से परिपूर्ण दत्तात्रेय भगवान को आज शिवरात्रि के दिन गिरनार पर्वत पर आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। इतना बड़ा पहाड़ इतना बड़ी पर्वत होने के बाद भी लोग चलते हुए उनके दर्शन के लिए आज जा रहे हैं। हम शिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव को मनपूर्वक श्रद्धायुक्त अगर उनका जप करते हैं गुरु सान्निधि में हो या कोई देवता के सान्निधि में हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इच्छा पूर्ण ना हुई। आज हम इस शिवरात्रि के पर्व दिन पर जिस साधना को भगवान गोरक्षनाथ ने और उनके शिष्यों से करवाई थी और भगवान दत्तात्रेय को भी शिव मानकर पूजा उन्होंने की थी और शिव कृपा को प्राप्त किया था
हम आज दत्त क्षेत्र में आए हुए हैं, तो हमें शिवजी के रूप में दत्तात्रेय भगवान अगर दर्शन दें, हमारे ऊपर कृपा करें, तो हमारा अहोभाग्य है और हमारा सौभाग्य है। उसके तीन माला जप करने मात्र से ही हमारे सारे रोग रायों का खात्मा होता है और हम रोग रायों को छोड़कर प्राप्त करते हैं। आपको अब सभी इस कागज को लाकर तीन माला शिवजी का मंत्र और 108 बार दत्त मंत्र को करते हुए उसकी आहुति डलवाने लगाता हूँ। ये मंत्र का कागज वहाँ मिलता है, आप ला लीजिए। इन्हों की भी समावेश है, तो उनके उज्ज्वलता का, उनके अवतार का, उनके तंत्र क्षेत्र में श्रेष्ठता का और उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। क्योंकि नाथ संप्रदाय में हो, नाथ संप्रदाय में वेदों ने सावर मंत्रों से ही, जो अपने बोलचाल में हुई भाषा है, उस भाषा से ही हम शिव जी को प्रत्यक्ष कर लिए हैं। गोरक्षनाथ जी ने ऐसे साबर विधान को जो दत्तात्रेय भगवान ने मच्छिंद्रनाथ जी को बताई और मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरक्षनाथ को, और बाद में नाथ संप्रदाय में वह प्रचार प्रसार चला। आज हम इस गिरनार पर्वत पर दत्त स्थान में बैठे हुए हैं। हमारे आज के दिन कहते हैं कि शिवरात्रि में भगवान विष्णु स्वयं अपना प्रिय तुलसी दल को लेकर शिवजी को अर्पण करते हैं और शिवजी अपना बिल्व विष्णु जी को अर्पण करते हैं। कभी बिल्व विष्णु को नहीं चढ़ता और तुलसी शिवजी को नहीं चढ़ती, लेकिन आज महाशिवरात्रि के दिन वह दोनों का मिलन रात के 12 बजे होता है। इसलिए वैष्णव हो, शैव हो या समाप्त कोई भी हो, ये सभी लोग भी शिवाराधन के भागी हैं और शिव को श्रेष्ठ मानते हैं, आदि गुरु के रूप में शिवजी को जाना जाता है। कहते हैं कि आज किसी तरह का साधक अपनी साधना करते हुए भूल चूक से भी अगर वो नमः शिवाय कहता है तो उसके भाग्य बदलते हैं, ऐसा शिवलिंगामृत में कहा गया है। एक छोटा सा